हेलो एवरीवन, आई एम दुर्गेश कुमार मिश्रा एंड वंस अगेन वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इंसेक्ट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो ऑप्शन है ए बायोस्फीयर रिजर्व्स, बी बोटानिकल गार्डन, सी नेशनल पार्क एंड डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी साइट फ्लोरा की इनसीटू कंजर्वेशन मेथड की साइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक टर्म आया है फ्लोरा। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा वो सारे एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, और इसका ही एक अपोजिट टर्म है फौना। फौना क्या होता है? फौना वो सारे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सी साइट फ्लोरा की इनसीटू कंजर्वेशन मेथड की साइट नहीं है। तो यहाँ पे फ्लोरा के बारे में पूछा जा रहा है, एनिमल्स के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी बोटानिकल गार्डन। क्यों? क्योंकि बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, न कि एनिमल्स को। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी बोटानिकल गार्डन। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इनसीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है। इनसीटू कंजर्वेशन वह मेथड है जहाँ पे फ्लोरा और फोना को नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल सराउंडिंग्स में कंजर्व किया जाता है। वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स या आर्टिफिशियल हैबिटेट नहीं होता है। यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है। अगला है एक्सेट कंजर्वेशन क्या होता है? एक्सेट कंजर्वेशन वह मेथड ऑफ कंजर्वेशन है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को आर्टिफिशियल हैबिटेट यानी आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में कंजर्व किया जाता है। यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट नहीं होती है। यहाँ पे जो भी हैबिटेट या सराउंडिंग्स बनाई जाती है वो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की जाती है। अगला है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होता है? बोटानिकल गार्डन वह गार्डन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कंजर्व किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। यहाँ पे जो भी हैबिटेट होगी वो ह्यूमन मेड होगी। यहाँ पे जो हैबिटेट है वो मानव के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए यह एक्सेट कंजर्वेशन ऑफ मेथड है। तो जो बोटानिकल गार्डन है वह एक्सेट मेथड ऑफ कंजर्वेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बोटानिकल गार्डन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड डाटा बुक्स पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कंटेन लिस्ट ऑफ। तो ऑप्शन है पहला इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दूसरा है थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस, तीसरा है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो इसमें से आप लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि रेड डाटा बुक जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है, इस बुक में किसके बारे में जानकारी दी हुई होती है। तो ऑप्शन पहला है इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस के बारे में जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस उन प्लांट एंड एनिमल्स की प्रजातियों के बारे में जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर जो बहुत ही लेस क्वांटिटी में है। अगला है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज, या उन साइट्स के बारे में जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करती हैं अलग देशों में। तो आप लोग को इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी ओनली सेकेंड।
रेड डाटा बुक में सिर्फ उन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में जानकारी दी हुई होती है जो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में जानकारी दी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है बी, ओनली सेकेंड। IUCN एक NGO है। IUCN के द्वारा एक बुक पब्लिश की जाती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। इस बुक में प्लांट्स एंड एनिमल्स की उन स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं जिनकी आबादी बहुत कम है या फिर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं। IUCN का हेड ऑफिस ग्लैंड स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन। Which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on earth? Options A, 1 and 4th only, B, 2nd and 3rd only, C, 2nd, 3rd and 4th only and D, 1st, 2nd, 3rd and 4th. तो इस क्वेश्चन में चार प्रोसेस दिए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन। तो आप लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को एड करता है। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक एक्शन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में एड हो जाती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो टेकिंग करते हैं, एडॉप्ट करते हैं फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं किया जाता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक एक्शन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है जो कि कार्बन साइकिल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अब आइए डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खुद का भोजन बनाती हैं और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। तो ये क्या था हमारा फोटोसिंथेसिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड। तो ऑप्शन से पहला इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, दूसरा इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, तीसरा इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या फिर चौथा एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैन। तो आप लोग को इसमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आई होप कि आप सबने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एक क्षयकारी पदार्थ है, इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन से पहला प्लास्टिक फोम के प्रोडक्शन में, दूसरा ट्यूबलेस टायर के प्रोडक्शन में, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को साफ करने में या फिर चौथा एरोसोल कैंस में एज अ प्रेशराइजिंग एजेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज प्लास्टिक फोम्स के प्रोडक्शन में, ट्यूबलेस टायर के प्रोडक्शन में और एरोसोल कैंस में एज अ प्रेशराइजिंग एजेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो है सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट्स जैसे कि एसी और फ्रिज में यूज़ किए जाते हैं और एज अ प्रेशराइजिंग एजेंट्स जैसे कि एरोसोल कैंस या फोम्स में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि डीओ या फिर जो स्प्रे पेंट्स आते हैं या स्प्रेस में, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को साफ करने में नहीं किया जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। विच ऑफ द एबव इज आर द एमिशन और एमिशंस फ्रॉम कोल कंबस्टन एट थर्मल पावर प्लांट्स। तो ऑप्शन है
ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट पे कोल कंबस्टन के समय कौन सी गैसेस बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे कुछ गैसेस दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो आप लोग को ये बताना है कि थर्मल पावर प्लांट पे कोल कंबस्टन के समय कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कोल कंबस्टन के समय जो गैसेस बाहर निकलती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये सभी क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में प्रोवाइड हो जाएंगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस।